उन्होंने बयानबाजी की है हमारी पार्टी की तरफ से, कल भी इसके ऊपर बात कही गई है और आप देख लेंगे, एक दो दिन की बात है, मुस्तकबिल में वो सारे एक्शन प्लान होंगे। घर तो ये बताइए कि फिर क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है, अभी मियां अल्ताफ साहब तो कभी विकार रसूल साहब। आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों के बयानात के ऊपर कांग्रेस पार्टी लीडरशिप ने बहुत ही एक तरह से संजीदगी से उसको सीरियसली लिया है और अब हीट ऑफ द मोमेंट में जो कुछ भी बोल जाए उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलायंस के जो सीनियर लीडर हैं इन सब चीज़ों को बहुत ही गौर से देखें, उनको अपनी तरफ से कुछ बोलने का और ज़बान को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी उनकी है, उनको रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो हमारा चुनाव है अगर इस पर असर होता है तो जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। उन तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली यहाँ जमहूरियत की बहाली के लिए, स्टेटूट की बहाली के लिए, आवाम की भलाई और बहबूद के लिए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए सरकार बननी ज़रूरी है, इसलिए ये खिचड़ी नहीं हो पाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। खड़गे जी की विजिट के बारे में किस तरह से तैयारियां हैं और क्या जी आपने सही कहा, खड़गे जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, पहले भी वो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है और अनंतनाग जैसा कि आपने कहा तीसरी सबसे बड़ा ज़िला भी है, ये हिस्टोरिकल तारीखी जगह है, तो यहाँ पे हसब खा हसब मरातिब मुझे पूरी उम्मीद है, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं खुद भी गया हूँ, यहाँ जो तैयारी जो सारे कैंडिडेट्स को हमने बुलाया है वो कैंडिडेट्स अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं, एनसी और कांग्रेस के कारकुनान जो उनके जिम्मेदारान हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, वो आज भी लगे हुए हैं अपने अपने गांव, अपने इलाकों में, अपने हलकों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में वहां लोग आ सकें और दोनों नेताओं को सुने। और खड़गे जी का अपना तजुर्बा रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बल्कि मुल्क भर के ताल्लुक से उनका जो तजुर्बा है वो उसके गवाह आप लोग सब होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, आज मैं वहाँ गया भी था, आप सब लोग भी एक नज़र मार लेंगे, तैयारी हमारी पूरी है। वेन्यू के बारे में भी बताइए, वेन्यू के मिला क्या, ये बड़ी बड़ी बातें पार्लियामेंट में बहसें डींगे हाँकने वाली बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई थी उसके असरात ज़मीन पे क्या पड़े, तो ये सारे सवाल इस बार चुनाव में हमारी जो गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी जो गठबंधन है, ये भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अलायंस है वो मजबूती से आवाम के बीच में है, अलायंस जब आवाम के बीच में बन जाता है तो उस इस अलायंस में अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई अफराद हो, अगर वो नफरत डालने की कोशिश करती है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है तो आवाम नहीं सुनने वाली है। ये दीवार पे ये तहरीर लिखी जा रही है कि ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जो कोई एनसी की तरफ से हो या हमारे यहाँ से हो, आवाम में उसका कोई असर नहीं और हम उसको कंडेम करते हैं। जब हमारा अलायंस हो गया तो अलायंस हो गया, अलायंस के पहले की जो गुफ्तगु थी वो एंड हो जाती है जब अलायंस हो जाता है, तो इसलिए कोई इस बात को ना समझे कि अलायंस नहीं साहब हमारी अपनी मन मर्जी चलेगी, किसी की मन मर्जी नहीं चलती है, कांग्रेस पार्टी और एनसी दोनों संजीदा पार्टी है और संजीदगी से वो चुनाव लड़ रही है। ये सारे मुद्दे थे जो मुझे आपसे गुफ्तगु करनी थी।